पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई एकचोटि धन्यवाद दिनै पर्छ। हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिमलाई गरेको एकदम वार्म वेलकम र VVIP सेक्युरिटी। वेलकम ब्याक। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेपाल क्रिकेट मैच के बारे में और नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में। आप सबको पता है कि नेपाल की क्रिकेट टीम इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है और कराची सिटी के अंदर है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की क्रिकेट टीम के बारे में। और आप सबको पता है कि नेपाल की टीम पाकिस्तान आ चुकी है। हम देखेंगे कि नेपाल के लोग किस तरीके से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोटोकॉल को देख के, पाकिस्तान की अंदर जिस तरीके से नेपाल की टीम को प्रोटोकॉल मिला, जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया, उन सब के ऊपर बात करेंगे। और आप देखेंगे कि नेपाल के लोग किस तरीके से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं नेपाल की टीम को इतना प्रोटोकॉल देने के लिए। तो चलिए पाकिस्तान के अंदर देखते हैं नेपाल की क्रिकेट टीम की प्रोटोकॉल। ओके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई एकचोटि धन्यवाद दिनै पर्छ। हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिमलाई गरेको एकदम वार्म वेलकम र VVIP सेक्युरिटी मान्नु पर्छ। मलाई त यस्तो लाग्यो जब कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई सेक्युरिटी दिए जस्तै लाग्यो, एकदम उच्च सम्मान। हाम्रोतिर त हेरौँ न, हाम्रो देशतिर त बालै दिँदैन खेलाडीहरूलाई, न त उचित पुरस्कार दिन्छ, न त उचित पारिश्रमिक सेलरी दिन्छ, न त सरकारको पक्षबाट टाइम टाइममा खेलहरू खेलाइन्छ, होइन। अब सन्दीप लामिछाने कुरा गरौँ, सन्दीप लामिछानेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ नि त, मुद्दा मामिला परेको छ, छिटो सुनवाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि व्यवस्था गरेर बेवास्ता गरेर चाहिँ सँगै अरू साथीहरूसँगै टिमसँगै पाकिस्तान जान पनि पाएन बिचरा। अब पनि जाने हो कि होइन सिकोस् पाकिस्तानबाट हाम्रो देशले पनि केही। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात करूँ, देखे नेपाल की टीम फर्स्ट टाइम पे एशिया कप के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है और 30 तारीख को यानी दो दिन बाद उनका मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रिकेट स्टेडियम ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जिसपे जो है ना शॉर्ट फॉर्म में यानी T20 के अंदर तकरीबन आप कोई 200+ रन बना सकते हैं T20 के अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पिच है तो वहाँ पे स्टेडियम के अंदर आप अच्छा मैच खेल सकते हैं। दो प्रैक्टिस मैच होने वाले हैं कराची के अंदर, अभी तक हो चुके और प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लगातार, वो उनकी प्रैक्टिसेस चल रही थी। और नेपाल के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रोटोकॉल की वीडियो शेयर हो रही है, जिस तरीके से नेपाल के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे कि पहली बार किसी ने इतनी प्रोटोकॉल दी है, मैंने कहा बट फिर भी नेपाल के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा क्योंकि नेपाल काफ़ी कुछ सीखेगी इस मैच से, चाहे वो जीते या हारे। और ये नेपाल के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आया तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और सीखने को काफ़ी कुछ सीनियर प्लेयर से या सीनियर टीम से देखने को मिलेगा। क्योंकि नेपाल की क्रिकेट टीम के अंदर मैंने ये सुना भी है कि 17 साल और 19 साल के लड़के भी मौजूद हैं।